हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। साथ में मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ कि किन सेंटेंस का पैसिव बनेगा और किन सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। तीसरी चीज आप सीखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के जाने बिना आप पैसिव बोल ही नहीं सकते। तो चलिए हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या होता है कि वाक्य अंत में जाएगा का शब्द आने वाला है। जैसे पंखा मरम्मत किया जाएगा, ग्रामर पढ़ाया जाएगा, घर सजाया जाएगा, तुम्हें समझाया जाएगा। तो जो पैसिव वॉइस हो जाएगा, जाएगा का शब्द आने वाला हिंदी में पहचान। अब चलिए मैं आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखता हूं, दूसरा पैसिव वॉइस का लिखता हूं, फिर दोनों को आपको अंतर बताता हूं। मैं उसे सजा दूंगा, आई विल पनिश हिम। यह हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। और यहां पे मैंने आई विल कहा, और किताब में हम आई शायद और वी शायद पढ़ते हैं, इसमें कोई चिंता नहीं करना है। हाँ, अगर आप किसी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो आई शायद कह सकते हैं ना, स्पोकन में आप आई विल ही कहने वाले हैं। तो आई विल पनिश हिम, मैं उसे सजा दूंगा, ये एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ही विल बी पनिश्ड बाई मी, यानी रूल क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? चार रूल याद करना है। एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना, दूसरा जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखकर यानी अदला बदली कर लेना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल बी, और पैसिव से हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है। तो जैसे आपने देखा आई विल पनिश हिम, मैं उसे सजा दूंगा। हिम आपका ऑब्जेक्ट, पहला काम करना है कि हिम को जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, इसको आपको पैसिव वॉइस में जब ले जाना है तो इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। तो हिम का हो जाएगा ही, और ही के बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपका हेल्पिंग हो जाएगा विल बी आपका हो जाएगा। और ना कहना होगा तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस कोई भी ग्रामर सीखेंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होने वाली, आप याद रखिएगा। पैसिव वॉइस बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका? He will be punished, उसे सजा दी जाएगी, किसके द्वारा? By me। तो यहां पर me हो गया, जो active voice में I था, अब यहां पर passive voice में यहां पर हो जाएगा by me, क्योंकि यहां पर objective case में रखे हैं, इसलिए होगा by me। हालांकि सचमुच में by me काम करने वाला ही है, subject ही होता है, लेकिन कहा जाता है role में कि ये objective है, केस है। तो सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव वॉइस आई विल पनिश हिम, मैं उसे सजा दूंगा। पैसिव वॉइस ही विल बी पनिश्ड बाय मी, वो मेरे द्वारा सजा उसको दिया जाएगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई विल नॉट पनिश यू, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। नेगेटिव ही विल नॉट बी पनिश्ड बाय मी। तो ये तो हमारा था जिसका हम बना सके। इसी तरह जैसे हमने कहा कि तुम पंखा मरम्मत करोगे, यू विल रिपेयर द फैन, और पंखा मरम्मत किया जाएगा तुम्हारे द्वारा, द फैन विल बी रिपेयर्ड बाय यू। कि किन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, किसका नहीं बनेगा। एक सेंटेंस जैसे मैं कहूं कि आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगा, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरा आई विल डेकोरेट द हाउस, मैं घर सजाऊंगा, इसका बन जाएगा। तो आई विल स्लीप का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बना? क्योंकि स्लीप में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। तो आई विल स्लीप बात पूरी हो गई, लेकिन अगर मैं ये कहता कि आई विल डेकोरेट, मैं सजाऊंगा, तो मैं सजाऊंगा, आप वेट करेंगे कि क्या सजाओगे, घर सजाओगे, दुकान सजाओगे, मोहल्ला सजाओगे, यानी आई विल डेकोरेट। तो डेकोरेट जो आपका ये वर्ड है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट लाना जरूरी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते उसे हैं कि जो वर्ब
मैं ऑब्जेक्ट कहलाना जरूरी हो। आई विल डेकोरेट, मैं सजाऊंगा। क्या सजाऊंगा? हाउस, घर। तो ये आपका डेकोरेट का वर्ड होगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इससे पहले का आपका आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगा। अब स्लीप के अंदर ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है। आई विल स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सो जाऊंगा। ये 10 o'clock आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जैसे मैंने कहा आई विल डेकोरेट द हाउस, मैं घर सजाऊंगा। आप इसका पैसिव क्या हो जाएगा? हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, हाउस को पहले रखेंगे, द हाउस। हेल्पिंग क्या हो जाएगा? विल बी। और थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, डेकोरेट का थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। हिंदी क्या हो गया? घर सजाया जाएगा, द हाउस विल बी डेकोरेटेड। किसके द्वारा? बाई मी। जो आई था वो बदल गया, बाई मी भी बदल गया। इसको अगर नेगेटिव कहना है कि घर मेरे द्वारा नहीं सजाया जाएगा, द हाउस विल नॉट बी डेकोरेटेड बाई मी। तो क्या ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी, उसी का पैसिव बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और बात पूरी हो जाए, उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। एक मैं एग्जांपल आपको कहता हूं, जैसे कहना कि राजू बाजार जाएगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? राजू विल गो टू मार्केट। बिल्कुल ठीक। इसकी पैसिव क्या बनाएंगे? आप सोचिएगा कि राजू विल गो टू मार्केट क्या बनेगा? द मार्केट विल बी गोन बाय राजू। क्या मैं सही कह रहा हूं? सोचते रहिएगा, एकदम गलत है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। राजू विल गो टू मार्केट, राजू बाजार जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि जो अक्सर मार्केट, ये तो ऑब्जेक्ट तो है, एकदम गलत, क्योंकि जो मार्केट वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब यहां पर आपको एक मैं तरीका बताता हूं, जो हमको ट्रिक बताना था आपको, पैसिव वॉइस को पहचानने का ट्रिक, कि कैसे सेंटेंस को जाने वो पैसिव वॉइस बनेगा या पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखिए जो आपका सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस जैसे आपने लिखा वो बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, उस सेंटेंस को आप व्हाट के वर्ड से या हुम के वर्ड से सवाल बना के देखिए। व्हाट मतलब क्या, हुम का माने क्या हो जाएगा? किसको? तो अगर मैं कहूं ही विल गो टू मार्केट, वो क्या जाएगा? तो बाजार जाने वाला कोई चीज है, तो क्या पता चला? अगर आप ये इस तरह बना ले, व्हाट विल ही गो, वो क्या जाएगा? अरे भैया, जाना कोई चीज है, सामान है, तो क्या पता चला? जब व्हाट में पूछेंगे वो क्या जाएगा, तो कोई जवाब नहीं बन रहा। एक हथियार अभी आपके पास और है, होम का वर्ड, तो आपने कहा ही विल गो, वो किसको जाएगा? सर किसको जाएगा? सर बन ही नहीं रहा है। तो क्या पता चला कि अगर व्हाट और हुम से अगर आंसर आपको नहीं मिलता है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके जगह पे अगर मैं ये कहता शी विल कुक द फूड, वो खाना पकाएगी। अब इसमें प्रश्न करके देखिएगा, वो खाना पकाएगी, आपके पास में व्हाट और हुम है, वो खाना पकाएगी का शी विल कुक द फूड, इसको आपने जब वर्ड से किया वो क्या पकाएगी, एक आंसर मिला ना, वो खाना पकाएगी। तो पता चला कि जो शी विल कुक, ये जो कुक का वर्ड आ रहा है, तो जहां पर भी कुक का वर्ड आएगा तो मतलब है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कुक का मतलब ये कि जो अगर वर्ड का जवाब मिल जाए वो क्या पकाएगी? खाना पकाएगी। जवाब बन गया तो मतलब है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? द फूड विल बी कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा पकाया जाएगा। अब चलिए एक होम का एग्जांपल सेट करते हैं। जैसे हमने कहा कि आई विल बीट हिम, मैं उसे पीटूंगा, या हमने कहा कि तुम उसे पीटोगे, यू विल बीट हिम, भी आपका एक्टिव वॉइस हो गया। तो हमारे पास दो चीज है पता करने का, You will beat him, इसका पैसिव वॉइस हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि व्हाट से मैंने कहा तुम क्या पीटोगे, हाँ सर तुम क्या पीटोगे, तो कुछ बात समझ में नहीं आए, तो ये पता चला सर व्हाट में तो सेट नहीं हो रहा है। एक हमारे पास और है, whom, whom,
तुम किसको पीटोगे? हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, यही तो कर रहे थे। तुम किसको पीटोगे? तो किसी इंसान को पीटो, किसी जानवर को पीटोगे। तो जब whom का वर्ड आपका आएगा और उसे जब आप अगर जवाब मिल जाएगा तो किसी इंसान के बारे में होगा, और what के जवाब में जब आता है तब कोई चीज होता है। तो आपने कहा था कि हमने एक आपसे पूछा था कि यू विल बीट हिम, तुमसे पीटोगे, पैसिव क्या हो जाएगा, ही विल बी बीटन बाय यू, ये आपका हो जाएगा। जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो दिल्ली में रहेगा, ही विल लिव इन दिल्ली, तो वो दिल्ली में रहेगा। अब इसको व्हाट से बनाइए, वो दिल्ली में रहेगा क्या, वो दिल्ली में रहेगा क्या कोई चीज है, क्या रहना कोई चीज है, या वो किसको रहेगा नहीं बना, तो मतलब है ही विल लिव इन दिल्ली, इसको पैसिव वर्ब बना ही नहीं सकते हैं। मैं मुस्कुराऊंगा, आई विल स्माइल, पैसिव वर्ब बनाइए, मैं मुस्कुराऊंगा, क्या मुस्कुराओगे, मुस्कुरा कोई चीज है, नाश्ता क्या आपको दे दूं, पैसा नाश्ता कर लीजिए, नहीं है, किसको मुस्कुराओगे, नहीं बन रहा है, इसका पैसिव वर्ब नहीं बनेगा। बात क्लियर हो पा रही है? इस तरह से जिसमें हमको ऑब्जेक्ट ना मिले उसका पैसिव वर्ब नहीं बनेगा। हमने कहा कि राजू आएगा, राजू विल कम, अब इसको कहिएगा व्हाट विल ही कम, वो क्या आएगा, या किसी भी ग्रामर में व्हाट डज ही कम, व्हाट डिड ही कम, व्हाट विल ही कम, व्हाट इज ही कमिंग, तो व्हाट विल ही कम वो क्या आएगा, कोई चीज है, नहीं बना है, पकाने की चीज है, रखने की चीज है, पीने की चीज है, नहीं है, तो क्या है, मतलब पैसे इसका नहीं बनने वाला। हमने कहा वो किसको आएगा, होम विल ही कम, या किसी भी ग्रामर में होम या व्हाट को लगा करके सेट कर सकते हैं, किसको आएगा, नहीं बन रहा है। अरे भैया तो पता चला कि कम के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये बात हमारे एकदम क्लियर हो गई होगी कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो एक्टिव पैसिव पढ़ लेते हैं, लेकिन समस्या होती है कि जब पैसिव उसका बनेगा कि नहीं बनेगा, उसमें उनको समस्या होती है। अब हम चलते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव बनाना, दो पैसे बनाएंगे, हर एक ग्रामर में जैसे हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, इसी में भी इसी तरह रखने वाले। चलिए हम आपको स्टार्टिंग से लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि पंखा मरम्मत किया जाएगा, इंग्लिश क्या हो जाएगा, द फैन विल बी रिपेयर्ड, या आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसको हम नेगेटिव में कहें कि पंखा मरम्मत नहीं किया जाएगा, द फैन विल नॉट बी रिपेयर्ड, क्या पंखा मरम्मत किया जाएगा, विल द फैन बी रिपेयर्ड, और क्या पंखा मरम्मत नहीं किया जाएगा, विल द फैन नॉट बी रिपेयर्ड, पंखा मरम्मत क्यों किया जाएगा, व्हाई विल द फैन बी रिपेयर्ड, और पंखा मरम्मत क्यों नहीं किया जाएगा, व्हाई विल द फैन नॉट बी रिपेयर्ड। ये छह तरीके से आपके जो सेंटेंस बनते हैं, कोई साधा तरीका आने वाला नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि हम पैसिव वॉइस को अपने बोलचाल में कैसे यूज करते हैं, कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी हम अपने बातचीत में कर सकते। तुम्हें आमंत्रित किया जाएगा, यू विल बी इनवाइटेड, तुम्हें डांटा जाएगा, यू विल बी स्कॉल्डेड, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, यू विल बी टॉट। बात समझ आ रही है? एक और इसका ट्रिक बताऊं कि पैसिव वॉइस को समझने के लिए, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है। जैसे घर सजाया जाएगा, सजाने वाला तो कोई और, वो है दूसरा है सब्जेक्ट, तो घर सजाया जाएगा, तो घर आपका ऑब्जेक्ट है। हालांकि रूल में तो लिखते हैं कि पहले सब्जेक्ट है, एक्चुअली सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट सिर्फ जगह पर रहता है, तो ये समझिएगा कि घर सजाया जाएगा, भाई घर सजाने वाला कोई दूसरा है तो वो सब्जेक्ट है ना, भाई लगा करके भाई को मटा दे, भाई को कहने वाले नहीं। द हाउस विल बी डेकोरेटेड, हमारा ट्रिक क्या था, पैसी वाइस में जब आप कहें तो उस चीज को अपने आंखों से देख लें। जैसे कि तुम्हें पीटा जाएगा, यू विल बी बेटर, तुम दिख गए। कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा, कैमरा लगाएगा, कैमरा विल बी इंस्टॉल्ड, कैमरा विल नॉट बी इंस्टॉल्ड। खाना पकाया जाएगा, क्या देखा, थाली में खाना दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, खाना पकाया जाएगा, द फूड विल बी कुक्ड, और खाना नहीं पकाया जाएगा, द फूड विल नॉट बी कुक्ड। ग्रामर पढ़ाया जाएगा, ग्रामर विल बी टॉट, एक दिख रहा है ग्रामर, एक फीलिंग आ रही है, और ग्रामर नहीं पढ़ाया जाएगा, ग्रामर विल नॉट बी टॉट। दरवाजा बंद किया जाएगा, फोटो किसका देखा, दरवाजे का देखा ना, तो क्या बोलेंगे,
The door will be closed. और दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा. The door will not be closed. इस ट्रिक को आप फॉलो करके देखिए आपके ऊपर अड़ेदार नजर होने वाली, बगैर डर के बोलने वाले. बस में आ रही ना, खिड़कियां वो खोली जाएंगी. द विंडोज विल बी ओपन. फोटो किसका दिखा? अब इसमें टेंशन नहीं लेना कि आपको वो नाम देखना है, विल बी कहना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहना है. द विंडोज विल बी ओपेंड. द विंडोज विल नॉट बी ओपेंड. कुर्सियां तोड़ी जाएंगी. फोटो किसका दिखा? इमेज किसका दिखा? द चेयर्स विल बी ब्रोकन. कुर्सियां नहीं तोड़ी जाएंगी. द चेयर्स विल नॉट बी ब्रोकन. इसी के साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो जैसे कहना है कि सर आपके चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा, तो क्या बोलेंगे? योर चैनल विल बी सब्सक्राइब. अब भाई लगाने कहने जरूरत नहीं सर, योर चैनल विल बी सब्सक्राइब बाय मी, बिल्कुल नहीं कहने जरूरत है, वो सिर्फ एग्जाम के लिए है बस. तो इसी के साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है कि माई चैनल विल बी सब्सक्राइब, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया जाएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक किया जाएगा. सो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए, कम से कम व्हाट्सएप के ग्रुप में या फेसबुक जो यूज करते हैं शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को हम चाहते हैं घर बैठे बच्चे अंग्रेजी सीख सकें जो किसी वजह से कोचिंग को नहीं आ पाते, घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे. एकदम बढ़िया स्पीकिंग भी हो जाएगी, ग्रामर भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी. मेरी कोशिश लगातार जारी रहेगी, मैं उस दिन तक जारी रहेगी जब तक हमारे लाखों स्टूडेंट जब तक के हमारे वीडियो से फायदा न उठाए. So, इसके साथ में आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू समय देने के लिए. अगर कुछ बात हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करते रहेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.